कुछ करिए, बस बस बड़ा बोल दे, अब कुछ करिए। हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्त, मेरा नाम हुआ कैशर खान और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्त, आज हम बात करने वाले हैं आपके बीच में बहुत ही गजब पॉइंट पे, जो है मेरे दोस्त आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आज हम बात करेंगे इस टॉपिक की। जिस इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो अपनी लाइफ में बेहतर मुकाम पे जा सकता है, अपनी ऊंचाइयों को हासिल कर सकता है। आज हम इसके बारे में डिटेल से आपसे बात करेंगे। तो जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं, तो हमारी इस वीडियो को पहले सब्सक्राइब करें, फिर शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और लाइक करें, जिससे कि आने वाली वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो चलिए हम डायरेक्टली बात करेंगे सबसे पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास की। चलिए आज हम आपको एक स्टोरी के माध्यम से शेयर करना चाहेंगे। एक बार की बात है, एक शख्स अपनी लाइफ में सक्सेस होना चाह रहा है, कामयाब होना चाहता है, लेकिन वो स्टूडेंट था, पढ़ाई लिखाई कर रहा था। वो सोच रहा था, मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करूंगा, ऊंचे मुकाम पे जाऊंगा, कामयाबी को हासिल करूंगा। लेकिन दोस्त, कुछ टाइम के बाद वही शख्स अच्छे से पढ़ लिख के और एक सक्सेसफुल इंसान बन गया, एक कामयाब इंसान बन गया। और कामयाब इंसान बनने के पास उसके पास बंगला, घर, गाड़ी क्यों हुआ? क्योंकि उसको अपने आप पे विश्वास था। इस वजह से वो इंसान सक्सेसफुल हो गया, वो इंसान कामयाब हो गया। लेकिन दोस्त, कुछ टाइम के बाद वही शख्स जो सक्सेसफुल हुआ था, कामयाब हुआ था, क्या हुआ कि बहुत ही ज़्यादा वो गरीब हो गया। उसके ऊपर करोड़पति बन के उसके पास 1 करोड़ का कर्जा हो गया, उसका घर चला गया, उसका बंगला चला गया, उसकी गाड़ी चली गई, वो एकदम फटे हाल हो गया। उस समझ में नहीं आ रहा था क्या करे, वो सुसाइड करने के लिए जाता, फिर वहाँ से वापस आ जाता। एक टाइम वो पार्क में बैठा हुआ था और बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं क्या करूँ, क्या करूँ, क्या करूँ। उसी टाइम पे उसके पास एक शख्स आया और आने के बाद में उससे पूछा कि भाई साहब, आप बड़ा परेशान लग रहे हैं, बड़ा उदास लग रहे हैं, क्या बात है? वो बड़े गुस्से में आके बोला, भाई तू क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है, क्यों मुझसे पूछ रहा है? फिर वो पूछा, क्योंकि जब कोई इंसान परेशान होता है, अवकाश से जाके पूछो, बार बार उससे डिस्कस करो, परेशान तो एकदम बहुत गुस्से में आके बोलता है। फिर वो पूछ लिया, भाई साहब आप बताएं तो क्यों परेशान है? तो बड़े गुस्से में आके वो बोला कि हाँ हाँ मैं परेशान हूँ, तू क्या करेगा, क्या कर सकता है, बता मेरे लिए। हाँ, मेरे ऊपर 1 करोड़ का कर्जा है, क्या मुझे तू दे सकता है पैसे? वो बोलेगा, हाँ दे सकता हूँ। बोला, है तेरे पास? बोला, हाँ मेरे पास चेक है, मैं आपको दे सकता हूँ। बोला, ठीक है। उसने, उस इंसान ने अपनी पॉकेट से चेक निकाला और उस पर 1 करोड़ का अमाउंट भर के और सिग्नेचर करके दे दिया उसे। बोला, मैं ये ले लूँ? वो बोला, हाँ ले लो। अब वो इंसान बड़ा देखने लगा और उस चेक को सोचने लगा कि यार ये इंसान मुझे जानता नहीं है, पहचानता नहीं है, और इसने मुझे 1 करोड़ का चेक दे दिया। उसने बोला, मैं आपको वापस ना करूँ तो? उसने बोला, ठीक है, 1 साल के बाद मैं आपको यहीं पे फिर मिलूँगा आके, और 1 साल के बाद जब आप पैसे कमा लेना, कामयाब हो जाना, तो मुझे चेक दे देना, वैसे कोई बात नहीं। और इंसान वो चेक दे के वापस चला गया। लेकिन वो इंसान पूरा दिन वहीं पे बैठा रहा, उस चेक को लिए देखता रहा, सोचता रहा कि क्या करें, क्या करें इस चेक को। यार वो इंसान मुझे जानता नहीं, पहचानता नहीं, उसने मुझे चेक दे दिया 1 करोड़ का। अब उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। एक अनजान व्यक्ति पे उसने विश्वास कर लिया। उसने सोचा, यार क्यों ना मेरा बिजनेस को लेके मुझे उठाया जाए। और उसी इंसान ने उस चेक को लिया और लाने के बाद में अलमारी में रख दिया और रखने के बाद में कसम खाली कमिटमेंट कर लिया कि इस चेक को मुझे छूना नहीं है, इस चेक को मुझे देखना नहीं है, जब तक मैं अपनी कंपनी को फिर से ना उठा दूं। और उस शख्स ने अपने आप पे विश्वास किया, सेल्फ कॉन्फिडेंस, और उसने काम करना फिर से स्टार्ट किया, फिर से मेहनत की, फिर से लगा। वही इंसान 1 साल के बाद फिर से वो करोड़पति हो गया, फिर से उसके पास बड़े बड़े घर हो गए, फिर से उसके पास बंगले हो गए, फिर से उसके पास गाड़ियां हो गई, वो एक सक्सेसफुल इंसान बन गया। लेकिन 1 साल के बाद उसी पार्क में गया जहां पे उसको 1 करोड़ का चेक दिया था उस शख्स ने। अब उस शख्स से मिलने के लिए बड़ा एक्साइटेड था, वही डेट, वही टाइम, वही जगह पे जाके बैठ गया। और बैठने के बाद में उस शख्स को देखने लगा,
और इंतज़ार उसका करने लगा कि कब वो शख्स आएगा और आने के बाद में मैं उसको उसका चेक दूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये खुशी थी कि मैंने उसके पैसे एक भी खर्चा नहीं किए, मैं उसको वही चेक लौटाऊंगा, रिटर्न वापस करूंगा, जिसकी वजह से आज मैं उसके एक चेक की देने की वजह से मुझे अपने अंदर एक विश्वास जगा, आत्मविश्वास, जिसकी वजह से मैं काम कर पाया, सक्सेस हो पाया, तो मैं उससे मिलना चाहता हूँ। बहुत टाइम हो गया, सुबह से लेकर दोपहर, दोपहर से शाम होने वाली थी। थोड़े टाइम के बाद देखते क्या है कि वो भागता हुआ आ रहा है, वही शख्स जो शख्स उसको चेक देके गया था भागता हुआ आ रहा है। जब इस इंसान ने उस इंसान को देखा तो भागता हुआ उसके पास गया, और जैसे उसके पास गया तो उसको पीछे से एक एम्बुलेंस आ रही थी पागलखानी उसको पकड़ने के लिए, और उसको पकड़ा और पकड़ने के बाद बैठा के लेके चल गई। अब वो इंसान पीछे पीछे दौड़ रहा उसके कि भाई साहब इस इंसान को कहाँ लेके जा रहे हो, ये बहुत बड़ा इंसान है, ये बहुत अमीर है, इसको कहाँ लेके जा रहे हो आप, कहाँ पागल खाने। तब तक रास्ते में उससे मिला, भाई साहब ये कौन है, क्यों उसको पीछे आप दौड़ो, भाई साहब इसी इंसान ने मुझे, तो पड़ोस में जो रास्ते से जा रहा होता है वो इंसान कहता भाई उसको क्यों पकड़ रहे हो, तो बोलता है भाई साहब वो बहुत अमीर इंसान है, बड़े अच्छे इंसान है। बोला अमीर अच्छे इंसान नहीं है। बोला क्यों? बोला अच्छा ये बताओ तुमको भी चेक दिया था? बोला हाँ हमको 1 करोड़ का चेक दिया। बोला अच्छा आपको भी 1 करोड़ का चेक दिया? बोला हाँ। बोला वो तो पागल है, वो तो पागल, वो तो सबको 1 करोड़ के चेक बांट रहा था, मुझे भी 1 करोड़ का चेक देके गया था, बड़े ढेर सारे लोगों को देके गया था, और वो जो चेक थे वो डुप्लीकेट थे, फेक थे, ओरिजिनल थे, वो पागल इंसान था। और वो इंसान उस चेक को देख रहा है और बैठ गया सोचने लगा, बोला ये चेक फेक है, ओरिजिनल नहीं है, जिसकी वजह से मैंने अपने ड्रीमों को हासिल कर लिया सिर्फ अपने ऊपर आत्मविश्वास करने की वजह से, और उस चेक को देखा सच में डुप्लीकेट था, फेक था। शायद वो इंसान उस चेक को यूज़ करता उसी दिन, तो आज वो कामयाब नहीं हो पाता, आज वो सक्सेस नहीं हो पाता। उस इंसान ने उस चेक की बदौलत से अपने ऊपर विश्वास जगाया कि उस इंसान को जब विश्वास हो सकता है मेरे ऊपर, तो मुझे अपनी कंपनी पे क्यों नहीं विश्वास हो सकता है। इसलिए उसने अपनी कंपनी पे विश्वास करके काम करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से वो एक सक्सेसफुल, एक अमीर इंसान बना, और उस चेक को उसने फाड़ के फेंक दिया और आया। तो दोस्त, मैं इस स्टोरी से, इस कहानी से ये आपको समझाना चाहता हूँ कि यदि आपको अपने काम पर, अपनी कंपनी पे 100% विश्वास है, तो आप अपनी कामयाबी में 4 चांद लगा सकते हैं, आप सक्सेस पा सकते हैं, आप कामयाबी पा सकते हैं, यदि आपको अपने आप पे विश्वास है तो, और आप अपनी ऊंचाइयों को भी हासिल कर सकते हैं। तो दोस्त, मैं यही बताना चाहूँगा कि आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो दिल लगा के, मेहनत से, विश्वास करके काम करें, क्योंकि बगैर विश्वास के कुछ होता नहीं है, और ना ही ये मार्केट में मिलता है, ना ही आपको खरीदने पे मिलेगा। तो इसे आपको अपने अंदर सेम विश्वास जगाना पड़ेगा, कॉन्फिडेंस, तब तो आप जाके कामयाबी को हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्त, आपने मेरी बातों को सुना, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, थैंक्स, आभार प्रकट करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, सो थैंक्स, जय हिंद।